नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज हम जिस सांप का जिक्र करने जा रहे हैं, इस सांप के बारे में बहुत सारे कम लोग जानते हैं और काफ़ी कम लोगों ने इसको देखा है, और यहाँ तक कि मैंने भी इसको रेस्क्यू नहीं किया, लेकिन मुझे एक दो बार इसके कॉल आए थे, लेकिन मैंने कॉल को फॉरवर्ड किया क्योंकि काफ़ी दूर से ये कॉल आते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में ये सांप मिलता नहीं है। तो आज सुबह जो है मुझे एक कॉल आया, और एक कॉल आया था चाकन से, चाकन में कंपनी है, और वहाँ से जिस शख्स ने हमको कॉल किया था उनका नाम है उबेद नियाजी करके एक शख्स है। इन्होंने हमको कॉल करके बताया कि उनके एक शॉप के अंदर एक सांप को देखा गया है। तो ये जो चाकन एरिया है, ये मेरे घर से काफ़ी दूर है, एक 25 या 27 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम लोग वहाँ पर जाने तक वो सांप हमको मिलता है नहीं मिलता, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कॉल को जो है फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये कॉल जो है मैंने फॉरवर्ड किया था हमारे जो खास और अच्छे मित्र हैं वैभव जी, जो कि चिकली में रहते हैं। तो मैंने उनको सुबह कॉल करके बताया कि आप इस सांप को जो है रेस्क्यू करेंगे कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम ज़रूर करेंगे, मैं घर पर हूँ। तो जब ये मौके पर पहुँचे तो इन्होंने सांप को रेस्क्यू किया और इन्होंने मुझे इसकी सूचना दी। और यह सांप था सॉस्केल वाइपर, जो भारत देश का काफ़ी खतरनाक सांप है। और सर्पदंश जो होते हैं चार सांपों में, प्रमुख चार सांपों में चौथे नंबर पर जो है इसको हम लोग जो है शामिल करते हैं, सॉस्केल वाइपर, जिसको हम लोग महाराष्ट्र में फुरसे और हिंदी में फुरसा सांप ये नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जो है मैं वीडियो जो है डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं हमारे जो मित्र है वैभव, उनसे मैं आपको मिलाना चाहूंगा। आइए सर, वैभव जी आइए। तो ये हमारे खास मित्र है वैभव जी, जो कि सर आप चिकली में रहते हैं ना? चिकली में। तो ये चिकली में रहते हैं, तो इन्होंने इस कॉल को जो किया और सही तरीके से इन्होंने इसको पकड़कर सही तरीके से इसको रेस्क्यू किया और मुझे इसकी सूचना दी, और हम लोग जो है इसकी जो वीडियो सही तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसको ये सांप इतना जहरीला है कि इसको हम लोग हाथ में हैंडल नहीं कर सकते, इसको पकड़ नहीं सकते। तो इसको ज़मीन पर रख कर कोशिश करेंगे आपको दिखाने की और थोड़ा सा समझाने की। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे जो मित्र हैं वैभव, इनसे मैं पूछना चाहूँगा सर, आप हमारी जो सब्सक्राइबर, हमारी जो जनता, हमारे जो व्यूवर्स है, इससे इनको अगर आप कुछ कहना चाह सकते हैं या अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं सर। भले आप मराठी में बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हिंदी इनको मतलब इतनी ठीक से नहीं आती, तो आप मराठी में बोलेंगे तो भी चलेगा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सर मी हा सांप म्हणजे फुरसे घेऊनच माझ्या लाईफमध्ये मी पहिल्यांदाच पकडलेला आहे। मी ह्याच्या आधी कधी ह्याला म्हणजे बघितला सुद्धा नव्हता, आणि मी ह्याच्यावर खूप काय अभ्यास केलेला होता, त्याच्यामुळे मला गेल्या गेल्या मी ह्याला ओळखू शकलो की हा की फुरसे घेऊनच आहे। म्हणून त्याच्यामुळे तुम्हाला मी फोन केला की हा तोच साप आहे। तो इन्होने असं बताया की जब या मौके पर पहुंचे तो इन्होने सांप को पहचान लिया। वो पहचान इसके लिए क्योंकि इन्होने इसके ऊपर अच्छी से स्टडी की, अच्छी से पढ़ाई की है। और हर बार मैंने अपने वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि जब भी आपको कोई सांप के बारे में अगर थोड़ी भी अधूरी जानकारी होती है या अगर जानकारी पूरी नहीं होती, तो सांप के नज़दीक जाना नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश करनी नहीं, उसको छूने की कोशिश करनी नहीं, क्योंकि यह जानलेवा हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। तो न देर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस सांप को नज़दीक से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में जो है बने रहिए, और वीडियो में हमारे साथ जो है बने हुए हैं वैभव जी। इधर पैनिंग। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारा जो सामना हुआ है दोस्तों, तो हमारा जो सामना हुआ सॉस्केल वाइपर, जिसको हम लोग महाराष्ट्र में फुरसे के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको फुरसा के नाम से जाना जाता है, काफी घातक सांप, काफी खतरनाक सांप और काफी जहरीला सांप। भारत देश के जो चार सांप है, इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा, रसल वाइपर, कॉमन क्रेट और सॉस्केल वाइपर। तो यह सॉस्केल वाइपर है, इसको आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसको हम लोग बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे और ना इसको ग्लव्स पकड़ के पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी जहरीला सांप है। इसको जमीन पर रखकर दिखाने की कोशिश करेंगे और सभी ने ऐसा ही करना है। कोई भी जब जहरीला सांप आप उसको आप डील करते हो तो उसको हाथ नहीं लगाना और उसको दूर से दिखाने की कोशिश करना। तो आपको पहले मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, यह सॉस्केल वाइपर। इसके ऊपर छोटे छोटे जो व्हाइट कलर की जो है जिगजैग लाइनिंग्स बनी होती है, जो स्केल की तरह दिखाई देती है, इसकी वजह से इसका नाम जो है इसका सॉस्केल वाइपर है। दोस्तों, ये जो सांप है, भारत देश के जो चार जहरीले सांप है उनमें से ये एक है सॉस्केल वाइपर, जिसको हम लोग हिंदी में फुरसा सांप के नाम से जानते हैं और महाराष्ट्र में इसको फुरसे के नाम से जाना जाता है। ये एक वाइपर की जाति है, वाइपर की
प्रजाति है, यानी वाइपर का रिश्तेदार है, ऐसा हम कह सकते हैं। काफी जहरीला सांप भारत देश में जो चार सांप है जिनकी वजह से सर्प दंश जो होता है उनमें से ये एक है सॉस्केल वाइपर। और ये जब काफी घबरा जाता है तो एक अपने आप को एक कॉयल में तब्दील करता है, एक कॉयल बना लेता है और कॉयल बनाकर अपने शरीर को रगड़कर पीछे की तरफ होता है ताकि एक जोरदार उसको फोर्स मिले और जिससे वो हमको अटैक कर सके। और ये जो सांप है इसके काटने का तरीका बहुत ही चौंकाने वाला है। ये इतनी स्पीड में जो है बाइट करता है कि आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते, यानी किसी स्प्रिंग को आप एक खींच के अगर जब छोड़ेंगे तो शायद उससे भी कम, उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जो है ये काट कर पीछे आ जाता है। बहुत बार हमको जब हम इसकी वीडियो बनाते हैं तो हमको स्लो मोशन में देखना पड़ता है कि इतनी स्पीड में इसने कब बाइट ली थी, कब इसने मुंह खोला था। तो आप जब स्लो मोशन में कैमरा में देखते हो तब आपका पता चलता है। तो काफ़ी इसकी स्पीड होती है, काफ़ी जहरीला सांप है ये। और दोस्तों ये जब किसी को काट लेता है, अगर इतना सही तरीके से काटा है, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे का वक्त, कम से कम 2 घंटे का वक्त होता है। इसकी आंखों के अंदर आप देख सकते हो एक वर्टिकल जो है लाइन दिखाई देती है, काफी चुस्त, काफी फुर्तीला और बहुत खतरनाक। ये कब झपट्टा मार दे, कब काट ले, ये तो मतलब सोचना भी, हमारे सोचने से पहले वो काट लेता है, इतना खतरनाक सांप है ये। सॉस्केल वाइपर जिसको हम लोग हिंदी में फुरसा, महाराष्ट्र में फुरसे के नाम से जानते हैं, बहुत जहरीला सांप है ये। और ये जो मादा सांप होती है ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है, रेसल वाइपर की तरह ये भी डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है। और इसकी जो संख्या होती है ज़्यादा से ज़्यादा 8, कम से कम 5, 5 से लेकर 8 बच्चों को यह मादा जो है डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है, अंडे नहीं देती। और इसका जो मनपसंद शिकार है छोटे से मेंढक, छोटे चूहे के बच्चे और बिच्छू, बिच्छू बहुत चाव से खाता है क्योंकि ये ज़्यादातर जो है पथरी जो पथरीला इलाका होता है, पहाड़, पत्थर, मट्टी के जो ढेर उसके अंदर एकदम नीचे दब के छुप के रहता है। और बिच्छू से इसका काफ़ी आमना सामना होता है, बिच्छू को काफ़ी चाव से खाता है। फिर से बता देता हूँ, सॉस्केल वाइपर काफ़ी जहरीला सांप, भारत देश के 4 सांपों में से एक में इसका जो नाम जो लिया जाता है। और जब ये डायरेक्ट जब बच्चों को जन्म देता है तो इसका साइज काफ़ी छोटा होता है, उनका आकार काफ़ी छोटा होता है। आप देखिए किस तरह ये कॉइल करके कितनी स्पीड में देखिए ये अटैक करता है कि एक अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो जब ये डायरेक्ट बच्चों को जब जन्म देता है, देती है मादा, तो उसकी जो लंबाई होती है 3 इंच, यानी बहुत छोटा। लेकिन उसके बाद भी अगर उसने किसी को काट ले तो भी उसके अंदर वेनम है, ये ध्यान में रखना है। आप देख सकते हो कि ये बॉडी को रगड़ता है और रगड़ने के बाद जो एक आवाज़ पैदा करता है, और एक आवाज़ पैदा करके ये हमारे लिए एक वार्निंग होती है। और उस वक्त ये काफ़ी तेज से जो है झपट कर एक सेकंड के तीसरा भाग जो होता है, एक सेकंड का अगर तीसरा भाग उसके अंदर ये आकर बाइट ले लेता है, तो काफ़ी खतरनाक सांप है ये। तो देखा आपने सॉस्केल वाइपर के बारे में जो मैंने जानकारी दी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जो जानकारी पसंद आए और आपके कुछ काम आए। बस आखिरी में फिर से एक बार यही दोहराऊंगा मैं कि जो सही सर्प मित्र है उन्होंने ये काम करना, जो प्रोफेशनल स्नेक कैचर है उन्होंने सांप को पकड़ना, हमारी वीडियो देखकर किसी ने सांप को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल करनी नहीं, चाहे वो सांप जहरीला हो या बिना जहर वाला हो, क्योंकि उसमें आपकी जान चली गई तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। फिर मिलेंगे हम फिर किसी सांप की जानकारी के साथ या फिर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ। तब तक के लिए हर बार की तरह जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखो। फिर से मिलेंगे, धन्यवाद। धन्यवाद।